और अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां जिलाधिकारी नेहा जैन आजादी के अमृत महोत्सव के दृष्टिगत हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए एवं स्कूटी चलाकर हर घर तिरंगा अभियान में प्रतिभाग करते हुए उक्त रैली कलेक्ट्रेट प्रांगण से प्रारंभ होकर अकबरपुर ओवरब्रिज होते हुए कलेक्ट प्रांगण में समाप्त हुई। जो देश के लिए जो भावना है उसको आत्मसात करने के लिए यहाँ पे जितनी बेसिक शिक्षा विभाग की जो टीचर्स हैं, लगभग 150 से 200 की तादाद में यहाँ पे टीचर्स हैं, और हम लोग ने एक स्कूटी रैली निकाली है, एक तिरंगा यात्रा निकाली है जागरूकता फैलाने के लिए कि आज़ादी का जो अमृत सप्ताह है वो 11 से 17 अगस्त तक वो शुरुआत उसका आगाज हो चुका है, और सभी लोग अपने घर से निकल जाए और झंडा फहराए अपने घरों पे, और झंडे को हमेशा ही बुलंद रखे और हमेशा जो भी कार्य करे वो देशभक्ति की भावना से करे, ये संदेश हम देना चाहते हैं सभी लोगों को। अच्छा, इस तिरंगा यात्रा में महिला सशक्तिकरण की जो एक वो चित्र दिख रहा है, महिला शक्ति सशक्तिकरण का एक वर्णन हो रहा, पूरे रोड पे महिलाएं दिख रही है। नया भारत है, ये भारत वो है जिसमें हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इतनी वीरांगनाएं थी और आज इतनी अधिक मात्राओं में है, तो ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि 75 साल में भारत कहां से कहां पहुंचा है, और आज आप जिस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हैं उस कुर्सी से लेके यहां पे जो हमारी टीचर्स हैं, जो हमारी DPRO साहब है, BSA साहब है जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, यहां पे हमारी SDM साहब है, सिकंदरा के SDM है, सभी यहाँ पे महिलाएं हैं, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, जिस भी क्षेत्र में अगर वो अपना मन लगा ले तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगी, ये संदेश देना चाहते हैं। भारत माता की जय।